फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल वर्मा, आई एस ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट आई एस। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2020। अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट एंड इट्स लाइफ साइकिल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज मॉड्यूल नंबर 6, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इट्स प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अगर आपने ये फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़े हैं, ये एलेबोरेटिव फॉर्म था। मैं आपको एक क्लासिकल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा रहा हूँ, वो सारे कंसेप्ट इसी में इन्वॉल्व हैं आपके। चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। इसको क्लासिकल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इसको आप पढ़िए, क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो इससे क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मेनली फोर फेजेस। हर एक प्रोजेक्ट, एवरी प्रोजेक्ट हैज़ अ डिफाइंड बिगनिंग एंड डिफाइंड एंड एंड मिडिल फॉर्म। हर एक प्रोजेक्ट के अलग अलग, एक स्टार्टिंग अलग होती है, एंड अलग होता है, और उसके बीच में जो भी ड्यूरेशन वर्क रहता है वो अलग 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 रहता है। वो उसकी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की एक्टिविटी किस तरीके से परफॉर्म हो रही है। तो उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट की बिगनिंग, स्टार्टिंग और मिडिल फॉर्म के अकॉर्डिंग, हमने प्रोजेक्ट को सिंपली चार पार्ट में, चार फेजेस में यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। और अगर आप इसके अलग अलग फेज में देखें तो बहुत आगे इस तरीके से एलेबोरेट हो जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल या क्लासिकल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के चार ही फेज है। सबसे पहला फेज है फेज वन, P1, फिजिबिलिटी और अप्रेजल कंसेप्शन। इसको बोलते हैं इनिशिएशन फेज या इनिशिएशन फेज या इनिशियल फेज भी बोलते हैं। तो आप इसको और करके लिख लीजिए, ये इनिशिएशन फेज भी बोलते हैं इसको। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का पहला फेज है इनिशिएशन फेज। इसमें फिजिबिलिटी और अप्रेजल कंसेप्शन चेक करते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या होता क्या है। इसके बाद, अच्छा मैं आपको पहले चारों फेज बता दे रहा हूँ। आपका पहला होगा फिजिबिलिटी, अप्रेजल और इनिशिएशन फेज। इसके बाद आपका आएगा जब आप फिजिबिलिटी चेक कर लेंगे किसी भी प्रोजेक्ट की, देन आप उसकी डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद कमीशनिंग, उसको एक फिजिकल फॉर्म प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, कमीशनिंग करेंगे, या फिर सिंपल सा बोल सकते हैं आप, सॉरी, एग्जीक्यूशन करेंगे या फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इसमें आप फिजिकल फॉर्म में लेने की कोशिश करेंगे इसको, प्रोजेक्ट को फिजिकल फॉर्म प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आता है टर्मिनेशन एंड कमीशनिंग फेज। देन आपका आ जाता है हैंड ओवर फेज। इसी में इंक्लूड कर दिया मैंने, चारों फेज को एक ही बोल सकते हैं आप, टर्मिनेशन, कमीशनिंग एंड हैंड ओवर फेजेस। और ये आपको मैंने लास्ट में ग्राफ बनाया है इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी और टाइम के बीच में। आपको ये सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जैसे देखिए आप, सबसे पहले इनिशियल फेज में आपको बहुत कम रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि सिर्फ आपको फिजिबिलिटी स्टडी चेक करनी रहती है, वहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसे आप प्लानिंग फेज में आते हैं तो वहाँ पे इंजीनियर्स वगैरह का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है और आपकी इंटेंसिटी ऑफ एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इंप्लीमेंटेशन फेज या एग्जीक्यूशन फेज या इसको प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं, इस फेज में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें आपको फिजिकल सेफ प्रोवाइड कराना है। जब किसी भी चीज़ को फिजिकल सेफ दिया जाता है, यहाँ पे सिर्फ हम प्लानिंग वगैरह कर रहे थे, यहाँ पे फिजिकल सेफ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी हर एक प्रोजेक्ट मैनेजर की, ऑपरेटर की, वर्कर्स की, सभी की बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे एक पीक पे पहुंचेगी और फिर इसमें ये कम होने लगती है इसी फेज में, इंप्लीमेंटेशन फेज में। देन कमीशनिंग फेज में हमें हैंड ओवर करना रहता है, जस्ट टीथिंग, टेस्टिंग करनी रहेगी, तो कमीशनिंग फेज में आपकी कम होती चली जाएगी एक्टिविटी, और एट लास्ट आप हैंड ओवर कर देंगे और आपकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएंगी और एट द एंड मिनिमल होकर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा आपका। तो ये सिंपल सा था, इसको मैं अभी दोबारा बताऊंगा। चलिए देखते हैं, पहले डिटेल में पढ़ते हैं इसे, फिजिबिलिटी, अप्रेजल, कंसेप्शन और सिंपल से इसको बोलते हैं इनिशिएशन फेज। इन दिस प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाई एंड पोटेंशियल सोल्यूशन इज सजेस्टेड। किसी भी प्रोजेक्ट को हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, प्रोजेक्ट क्या बनाना है, तो हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। ये इसको याद रखिए, प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाई एंड पोटेंशियल सोल्यूशन आर सजेस्टेड। और इसमें पोटेंशियल सोल्यूशन को सजेस्ट करते हैं इनिशियल फेज में, फिजिबिलिटी, अप्रेजल, कंसेप्शन फेज में। फिजिबिलिटी स्टडी हेल्प्स इन सॉर्टिंग फ्रॉम नंबर ऑफ पॉसिबल बिजनेस टू गेट अ वन ऑप्शन विच सेटिस्फाई क्लाइंट रिक्वायरमेंट। एक क्लाइंट की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है, इस क्लाइंट की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम बहुत सारे नंबर ऑफ पॉसिबल जो हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं उनमें सॉर्टिंग करके एक सिंपल सम वन ऑप्शन को गेट करते हैं, टू गेट अ वन ऑप्शन। ठीक है, तो जिनकी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, पोटेंशियल सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, सजेस्ट करते हैं। इसके बाद हम वन ऑप्शन, जो आपको बेस्ट फिजिबल वन ऑप्शन रहता है, फिजिबिलिटी में बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे और उसको सॉर्टिंग करके हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वन ऑप्शन हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड द पोटेंशियल सॉल्यूशन आर सजेस्टेड। इसमें आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई मैंने बता दिया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और पोटेंशियल सॉल्यूशन को हम भी सजेस्ट कर लेते हैं। दैट इज आइडिया इज कंसीव्ड, आइडिया हम एक एक्सेप्टेबल मूड में ले आते हैं, हम आइडिया कंसीव करते हैं यहाँ पे। इफ आइडिया इज फाउंड फीजिबल, हमने चेक किया कि आइडिया आपका फीजिबल है फ्रॉम द ऑल कंसिडरेशन, इट इज कॉल्ड गो अहेड सिग्नल। और इसी इनिशिएशन फेज में हम गो अहेड का सिग्नल दे देते हैं, क्योंकि हमने सारे आइडिया प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, पोटेंशियल सॉल्यूशन लिख लिया और आइडिया को हमने कंसीव कर लिया, आइडिया कंसीव्ड। वन ऑप्शन भी हमने इसके लिए अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि हम ज्यादा ऑप्शन की तरफ नहीं जा सकते, हम जितने भी ऑप्शन थे उन्हें शॉर्टिंग करके वन ऑप्शन की तरफ हमें मूव करना होगा। दैट इज लास्ट में मैंने इट इज गिव अ गो अहेड सिग्नल, आपको आगे बढ़ने के लिए सिग्नल मिल जाता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को फर्दर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इन फिजिबिलिटी स्टेज ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइंड, फिजिबिलिटी स्टेज में आपके ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन हो जाते हैं, क्योंकि आपने फिजिबिलिटी और अप्रेजल एनालिसिस कर लिया है, यहाँ पर जो आपके कैलकुलेशन पार्ट था वो आपने कर लिया है, सारे आइडेंटिफिकेशन कर लिए हैं। इन फिजिबिलिटी स्टेज ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइंड, देन अप्रेजल कंडक्ट, इसके बाद ही अप्रेजल कंडक्ट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ रिस्क बेनिफिट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट। अप्रेजल करते हैं, उसकी सारी कैलकुलेशन करते हैं, किन किन के टर्म्स में, रिस्क बेनिफिट्स और फाइनेंशियल कमिटमेंट के टर्म्स में, मतलब फाइनेंशियल कैलकुलेशन करते हैं इन सभी चीज़ों को, इन सभी टर्म्स के, हमें रिस्क भी आने चाहिए, बेनिफिट्स और ये सारी बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करके हम फाइनेंशियल कमिटमेंट कर लेते हैं, कि हमारा डिफाइन कर लिया हमने कितना रुपया हमारा खर्च हो जाएगा, वो हम सारे डिसाइड कर लेते हैं इसी फेज में कि हमारा इतना रुपया खर्च हो जाएगा। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे हमें घर बनवाना है तो हमें कितने फ्लोर का बनवाना है, कितने एरिया में बनवाना है, पोटेंशियल सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं इसके लिए, एक ऑप्शन भी हमने अडॉप्ट कर लिया कि हमें घर बनवाना है, और आइडिया कंसीव कर लिया कि किस तरीके का बनवाना है हमें, और गो अहेड सिग्नल मिल गया और हमें सारी कैलकुलेशन कर लिया और पता भी चल गया खर्च कितना होने वाला है। इतनी सारी चीज़ें हमें फिजिबिलिटी स्टडी अप्रेजल में कंसेप्ट में पता चल जाती है। अब उस रुपये के अकॉर्डिंग ही आपको, उस खर्च के अकॉर्डिंग, उसके आपके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के अकॉर्डिंग ही आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी अपने घर की। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट हो, उस प्रोजेक्ट की आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी। डिज़ाइन फेज में आता है आपका प्लानिंग और शेड्यूलिंग, और इसको बोलते हैं सिंपली डिज़ाइन डेवलपमेंट फेज, पी टू फेज के बारे में मैंने आपको बताया था यहाँ पर लास्ट में, लेकिन फिर से बताते हैं। डिज़ाइन, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग फेज भी बोलते हैं इसको, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग फेज भी बोल सकते हैं। तो इन फेजेस को आप पर्टिकुलर याद करके रखिए, जैसे पहला फेज है आपका इनिशिएशन फेज, दूसरा है प्लानिंग शेड्यूलिंग फेज, तो इनके नाम आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए। इन दिस फेज अगर आपको कुछ अलग बदल के भी नाम देते हैं, तो जो भी बदल के नाम दे सकते हैं मैंने लिख दिया, डेवलपमेंट फेज भी बोल सकते थे, डिज़ाइन डेवलपमेंट फेज बोलते हैं इसको, प्लानिंग फेज और शेड्यूलिंग फेज भी बोलते हैं इसे, तो मैंने सारे नाम लिख के दिए हैं यहाँ पर। इन दिस फेज यूज़ द गाइडलाइन फ्रॉम द फिजिबिलिटी स्टडी टू डिज़ाइन द प्रोडक्ट, हमें जो भी गाइडलाइन मिली है फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद, उन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम प्रोडक्ट की डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन द प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट की डिज़ाइन होती है इस वाले स्टेज में। वंस द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज टेकन, एक बार इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया, द डिज़ाइन और द प्लानिंग स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्ट इज, मीन्स द डिज़ाइन और प्लानिंग स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्ट, हम प्लानिंग करने लगते हैं कि हमने शेड्यूलिंग करने लगेंगे, प्लानिंग करने लगेंगे, हम प्लान बना लेंगे कि हमारा, अभी हमने टाइम डिसाइड नहीं किया था कितने टाइम में, तो हमें एक तो हमें टाइम मिल जाएगा कि हमें इस इतने ड्यूरेशन में करना है, और उसकी डिज़ाइन मिल जाएगी और हम प्लानिंग स्टेज हमारी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, मतलब आपकी डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे प्लानिंग स्टेजेस तैयार हो जाएंगी आपकी, कि पर्टिकुलर इतने टाइम में हमें इतना एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, दो महीने बाद इतनी करनी है, चार महीने बाद इतनी करनी है, तो प्लानिंग स्टेजेस आपकी ये शेड्यूलिंग हम बनाने लगेंगे। इन दिस फेज ओरिजिनल आइडिया आर एम्प्लीफाइड टू प्रिपेयर ब्लूप्रिंट फॉर द न्यू स्टेजेस, हमें नई स्टेजेस सजाने के लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके जो हमें इस फेज में जो हमें ओरिजिनल आइडिया में जनरेट हुआ है उसको एम्प्लीफाई करके और मॉडिफाई कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, एम्प्लीफाई कर सकते हैं और उसको और इन्हेंस करके टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट, उसके अकॉर्डिंग हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ठीक है। इसमें ब्लूप्रिंट बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। नेक्स्ट स्टेज आपकी क्या होगी, नेक्स्ट स्टेज आपकी होगी एग्जीक्यूशन फेज या इम्प्लीमेंटेशन फेज, उसमें पहुंचने के लिए आपको पहले आपको ब्लूप्रिंट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे या फिर आपने डिज़ाइन बनानी पड़ेगी, मैप बनाने पड़ेंगे। आउटपुट ऑफ द डिज़ाइन फेज इज DPR, इस फेज का सबसे बड़ा आउटपुट है DPR, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसको याद रखिए। प्लानिंग फेज का आपका सबसे बड़ा आउटपुट निकल के आता है DPR रिपोर्ट, आपको इसको बोलते हैं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी कंटिन्यूसली इंक्रीज फ्रॉम द फेज वन टू फेज टू, और इसमें इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी इंक्रीज होती रहती है। देखिए मैंने यहाँ पर ग्राफ भी बनाया आपका,
इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी और टाइम के बीच में। फेज वन में आपकी इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी कम रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप इनिशियल कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रॉब्लम को, दो चार लोगों को बैठा के आप आराम से कर सकते हैं। जैसे आप प्लानिंग फेज में आएंगे, यहाँ पे इंजीनियर्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, डिजाइन करनी पड़ेगी आपको, रिपोर्ट बनानी रहेगी, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। और अब नेक्स्ट फेज में पहुँचते हैं आप, इम्प्लीमेंटेशन फेज, जहाँ पे आपका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आपकी बनी है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। P3 फेज, एग्जीक्यूशन और प्रोडक्शन फेज ही बोलते हैं इसको, और इसको इम्प्लीमेंटेशन की फेज बोलते हैं। एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तीनों नाम एक ही है। इम्प्लीमेंटेशन फेज भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और करके लिख लीजिए इम्प्लीमेंटेशन फेज। हियर फिजिकल सेम इज गिवन टू द आइडिया प्रेजेंट इन द DPR। जो भी आपका आइडिया जनरेट हुआ था डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, यहाँ पर इस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हर एक डिजाइन शेड्यूलिंग सब कुछ होगी, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, हम फिजिकल से प्रोवाइड कराने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और फिजिकल से प्रोवाइड किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन फेज में या प्रोडक्शन और एग्जीक्यूशन फेज में, तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। इन दिस प्रोक्योरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज मटेरियल मशीनरी स्टार्ट, प्रोक्योरमेंट हमें जरूर स्टार्ट हो जाएगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज विल बी स्टार्ट। क्यों, हमें फिजिकल से प्रोवाइड कराना है, फिजिकल सेफ के लिए हमें मैन, मटेरियल, मशीनरी, स्ट्रक्चर सभी की जरूरत पड़ेगी, वो हम सभी यहाँ से प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कर देंगे इसी वाले फेज में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करके रखिए, आपसे पूछ सकते हैं कि इस फेज में क्या क्या स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। P3 यूजेज द डिजाइन एंड प्रोजेक्ट प्लान फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द डेफिनेशन फेज टुगेदर विद द एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी टू द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्ट प्रोजेक्ट, P3 यूजेज द डिजाइन एंड प्रोजेक्ट प्लान। अब इस फेज में क्या होगा, आपका जो भी क्या क्या यूज़ करेगा, ये डिज़ाइन यूज़ करेगा जो हमने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट से मिली थी, एंड प्रोजेक्ट प्लान जो हमने शेड्यूलिंग में प्लान की थी P2 फेज में, उसको यूज़ करेगा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द फेजेस टुगेदर, और ये डेफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट फेजेस को साथ में लेके आएगा विथ एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी टू कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सारी चीज़ का डिज़ाइन और प्रोजेक्ट प्लान का यूज़ करेगा ये P3 फेजेस में। इन दिस फेज इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी कंटिन्यूसली इंक्रीज एंड रीचेज अ पीक, और इसमें आपकी इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी बहुत कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जाएंगी और ये पीक पे पहुंच जाएंगी। सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होंगी, ये इसी फेज में होगी, इंप्लीमेंटेशन फेज, एग्जीक्यूशन फेज या प्रोडक्शन फेज में। ये क्वेश्चन आपके इस साल इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन 2019 में आया भी था ये। हियर ग्रेट नीड ऑफ द कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है एक्टिविटी का, हर लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट में मैक्स टू मैक्स लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, जितने पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें रहते हैं, तो यहाँ पे ग्रेट नीड ऑफ द कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी देखो मैंने यहाँ पे बनाया, इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी कंटिन्यूसली इंक्रीज और यहाँ पे टॉप पे पहुँच जाती है, और इसी फेज में आपकी डिक्रीज भी करने लगती है। मैंने लिखा नहीं, आपको जनरली दिख रहा होगा, यहाँ पर मैक्सिम टू मैक्स पहुँचती है और इसी फेज में आपकी डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे धीमे धीमे प्रोडक्शन का एंड होने लगता है तो फिर धीमे धीमे इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी कम होने लगती है। जैसे आप सिंपल से एक रूम बना रहे हैं, तो उस रूम बनाने के लिए, या फिर आप मल्टी बना रहे हैं तो मल्टी बनाने के लिए स्टार्टिंग में आपको कम लोग की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे बहुत ज़्यादा पैरेलल में एक्टिविटी बढ़ जाएंगी, तो इम्प्लीमेंटेशन फेज में आपके बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे और धीमे धीमे अपना काम खत्म कर करके निकलते जाएंगे, तो एटलीस्ट आपको इंटेंसिटी ऑफ एक्टिविटी कम होने लगती है इस इम्प्लीमेंटेशन फेज में। किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ले लीजिए, इम्प्लीमेंटेशन फेज में पहले इंटेंसिटी ऑफ एक्टिविटी बढ़ती हैं और पीक पर पहुँचती हैं और देन वो डिक्रीज करने लगती हैं। नेक्स्ट आता है आपका टर्मिनेशन और कमिशनिंग, और सिंपल से बोलते हैं इसको हैंडओवर फेज। P4 कन्फर्म्स द प्रोजेक्ट हैज़ बीन मेड टू द अप्रूव्ड डिज़ाइन एंड देन हैंडओवर द प्रोजेक्ट टू द क्लाइंट। P4 फेज में आपको सिंपल से इसको बोलते हैं टर्मिनेशन फेज, आपका टर्मिनेट हो चुका है, आपका आपके एंड की तरफ पहुंच रहा है। कमिशनिंग फेज एंड हैंडओवर फेज भी सिंपल से बोलते हैं, कमिशनिंग कंप्लीट होने वाला आपका और हैंडओवर फेज बोलते हैं इसको। चलिए इसमें देखते हैं, P4 फेज 4 कन्फर्म द प्रोजेक्ट हैज बीन मेड, इसमें कन्फर्म हो जाता है कि आपका प्रोजेक्ट बन चुका है टू द अप्रूव डिजाइन, जो आपने डिजाइन दी थी उस डिजाइन के अप्रूवल के साथ में आपका प्रोजेक्ट बन चुका है, ठीक है। कमिशनिंग फेज में आपका कन्फर्म हो जाता है कि आपका जो आपने प्रोजेक्ट दिया था वो बन चुका है, क्योंकि हम बनाना कब था आपको, एग्जीक्यूशन फेज में, वो आपको बना के कंप्लीट कर दिया, आपका अप्रूव डिजाइन के अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट बन गया है। देन हैंड ओवर टू द प्रोजेक्ट टू द क्लाइंट, और इसी में आप क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर देते हैं क्लाइंट को। एक क्लाइंट होगा जिसने आपको ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया होगा, एक कस्टमर होगा जिसने आपको दिया होगा कोई बनाने के लिए, वो आपने बना के कंप्लीट कर दिया, तब उसको हैंड ओवर कर देंगे इसी फेज में। इसी फेज में आपको क्या करना रहता है, हैंड ओवर करने के पहले टेस्टिंग और टीथिंग प्रॉब्लम सॉल्व, आप इसमें टेस्टिंग और टीथिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी आपको,
टेस्टिंग मतलब आप उससे रिलेटेड कुछ भी बना रहे हो आपके प्रोजेक्ट में, उसकी सारी टेस्टिंग करनी होगी आपको। टीथिंग प्रॉब्लम मतलब इनिशियल स्टार्ट में जो भी उसके स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है, टीथिंग प्रॉब्लम्स मीन्स स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो उसमें जनरेट हो रही हैं उनको सॉल्व करके देना पड़ेगा आपको। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी मशीन सी, जैसे मान लीजिए आप किसी पावर प्लांट का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसमें टेस्टिंग वगैरह करके देंगे सारे कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और टीथिंग मतलब जो उसकी इनिशियल प्रॉब्लम रहेंगी, कहीं कहीं ब्रेक डाउन हो गया, कहीं भी कुछ भी हो गया, तो आपको सॉल्व करके देना पड़ेगा। आपको एक रनिंग कंडीशन में लाके उस प्रोजेक्ट को देना पड़ेगा सामने वाले क्लाइंट को, उसको बोलते हैं टीथिंग एंड टेस्टिंग प्रॉब्लम हैव बीन सॉल्व इफ ट्रायल सक्सेसफुल। और आपने जैसे ही टीथिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो ट्रायल सक्सेसफुल माना जाएगा आपका। इफ ट्रायल सक्सेसफुल देन कमीशनिंग इज कम्प्लीटेड, मतलब आपका कमीशनिंग कम्प्लीटेड हो चुका है, मतलब आपको जो भी आपको सेटअप तैयार करके देना था वो आपने तैयार करके दे दिया, सारी इनिशियल प्रॉब्लम आपने सॉल्व करके दे दी। आफ्टर कमीशन प्रोजेक्ट इज हैंड ओवर, कमीशनिंग के बाद आपको प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर दिया जाता है टू द क्लाइंट। दिस स्टेज माइट इंक्लूड ट्रेनिंग ऑफ द ऑपरेशनल पर्सनल, जैसे मान लीजिए आपने पहले तो आपको प्रोजेक्ट मिला था एक पावर प्लांट बनाने के लिए, आपने पावर प्लांट बना दिया, अब उसमें पावर प्लांट के पर्टिकुलर आपने बहुत सारी मशीनरी इक्विपमेंट्स और बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे इंस्टॉल किया होगा, इंप्लीमेंट किया होगा, तब करना क्या रहता है, जैसे क्लाइंट को हैंड ओवर करेंगे तो क्लाइंट को या फिर आप कुछ उसके रिलेटेड ट्रेनिंग देंगे या फिर उसके कुछ लोग वर्कर्स वगैरह होंगे उनको ट्रेनिंग देंगे। तो इसी स्टेट में माइट इंक्लूडेड ट्रेनिंग ऑफ द ऑपरेशनल पर्सनल, जो भी आपके आगे फर्दर उस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं, उससे कंटिन्यूस लाइफ साइकिल वर्क करने वाले हैं, तो उन लोगों को ट्रेनिंग भी देनी रहती है कि आपको इस तरीके से वर्क करना है इस पर। तो इस स्टेज में आपको ट्रेनिंग भी इंक्लूड होती है, इन दिस स्टेज माइट इंक्लूड ट्रेनिंग ऑफ द ऑपरेशनल पर्सनल, जो आप उस पर आगे काम करने वाले हैं लोग उनको भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी और पूरा डिटेल्स सारी बतानी पड़ेगी आपको किस तरीके से वर्क करता है आपका प्रोजेक्ट। इन दिस फेज इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटीज रिड्यूसेस टू द मिनिमल एट द एंड, अब आपकी इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी कम होती जाएंगी होती जाएंगी और मिनिमल हो जाएंगी एट द एंड में, यहाँ पे जाके खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपने यहाँ पे हैंड ओवर कर दिया, आपका प्रोजेक्ट का काम खत्म हो गया, अब जाके इसके बाद क्लाइंट इस पर वर्क कर सकता है। चलिए इस ग्राफ को बहुत देर से आप लोग देख रहे थे, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल ग्राफ है आपका, लाइफ साइकिल ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी एंड टाइम, ये मैंने एक साइड में इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी बना ली है और एक साइड में आपकी टाइम बना लिया है। देखिए आपका फेज वन ले लिया मैंने, फेज टू, फेज थ्री, फेज फोर। फेज वन है आपका अप्रेजल फेज, या आप उसको बोल सकते हैं सिंपली इनिशिएशन फेज, और सेकंड आपका प्लानिंग फेज, डिजाइनिंग शेड्यूलिंग फेज भी बोल सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन फेज, एग्जीक्यूशन प्रोडक्शन फेज भी बोल सकते हैं इसको, कमिश्निंग फेज, इसको हैंड ओवर या फिर टर्मिनेशन फेज भी बोल सकते हैं। तो ये फेज फोर हो गया। यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग से बता रहे थे इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी कम रहेगी क्योंकि आप लोग बहुत कम रहते हैं, सेकंड प्लानिंग फेज में आपकी इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे डिजाइन इंजीनियर्स प्लानिंग शेड्यूलिंग होने लगती है यहाँ पे, तो ये सारे यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इंप्लीमेंटेशन फेज में आपकी फिजिकल से प्रोवाइड करा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स वर्कर्स और लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी कम हो जाएगी, और जैसे जैसे उनका पर्टिकुलर वर्क खत्म हो जाता है तो उनको धीमे धीमे करके आप रिमूव करने लगते हैं, अपने सिस्टम से अलग करने लगते हैं, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी कम होने लगती है और इसी स्टेज पे आपकी सबसे ज्यादा टॉप पे पहुंचती है इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी। और देन कमिश्निंग फेज में आपको हैंड ओवर करना है तो यहाँ पे सिंपली आप जो आपके टेस्टिंग इंजीनियर्स हैं और टीथिंग जो आप ऑपरेटर्स वगैरह उनसे वर्क करा के और सिंपली अपनी ट्रेनिंग वगैरह दे के क्लाइंट को और यहाँ से उन सभी लोगों को हटा देते हैं और सिंपली आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो बहुत सिंपल सा आपका ये था, इस मॉड्यूल में मैंने बहुत डिटेल में इसलिए पढ़ाया क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं आपके हर साल इंजीनियर सर्विस एग्जाम में, क्वेश्चन इसी से आ रहा है आपका, हर साल आ रहा है इसी एक मॉड्यूल से, तो बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने। लेवल ऑफ द एफर्ट, इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बीच में ग्राफ है जो मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।